भारत और रूस के रिश्ते दशकों से बेहद मजबूत रहे हैं। रक्षा और तकनीकी सहयोग की बात हो या कूटनीतिक समर्थन की, दोनों देश एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत की तकनीक रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद कर रही, खासकर छोटे सुसाइड ड्रोन और अन्य तकनीकी संसाधनों में। दरअसल भारत ने पिछले कुछ सालों में ड्रोन तकनीक में शानदार प्रगति की है और अब उसकी तकनीक रूस के युद्ध अभियानों में निर्णायक साबित हो रही। भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ व्यापार और राजनीति तक नहीं सीमित है, बल्कि ये रक्षा और तकनीकी सहयोग की एक लंबी कहानी है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद से ही रूस भारत का एक भरोसेमंद सहयोगी रहा है। रक्षा क्षेत्र में रूस ने भारत को टैंकों से लेकर युद्धक विमानों तक कई बड़े हथियार दिए। इस लंबे रिश्ते में अब भारत अपनी तकनीकी क्षमताओं को भी रूस के साथ साझा कर रहा, जो दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत बना रहा। भारत पिछले 4 सालों में ड्रोन तकनीक में जबरदस्त प्रगति कर चुका। जहां पहले भारत में एक भी प्राइवेट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं थी, वहीं अब 200 से ज्यादा कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही। कंपनियां जैसे कि जेन टेक्नोलॉजीज, पारस डिफेंस और एरोस्मिथ ड्रोन निर्माण और उससे जुड़े तकनीकी संसाधनों में महारत हासिल कर रही है। इसका सीधा असर ये रहा कि भारत आज ड्रोन निर्माण में एक वैश्विक ताकत बनकर उभर रहा है। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने पाया कि छोटे सुसाइड ड्रोन जैसे हथियार युद्ध में बेहद प्रभावी साबित हो सकते हैं। यूक्रेन ने पोलैंड अन्य देशों के सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल कर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन रूस के पास इन छोटे ड्रोन के लिए उतनी सक्षम तकनीक नहीं थी। यही वक्त था जब भारत की तकनीकी मदद ने रूस का साथ दिया। भारत ने रूस को ऑप्टिकल सर्विलांस और टारगेटिंग सिस्टम जैसी तकनीक प्रदान की, जिससे रूस के ड्रोन अब पहले से कहीं ज्यादा घातक हो गए। क्यूब BLA जैसे रूसी ड्रोन अब भारतीय तकनीक से लैस होकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत और रूस के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ये समझौता इस बात को दिखाता है कि दोनों देशों के बीच तकनीकी साझेदारी कितनी गहरी हो चुकी है। ये सिर्फ बड़े हथियारों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि अब छोटे हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तक भी फैल चुकी है। भारत की ओर से भी दी जा रही तकनीकी सहायता रूस के छोटे ड्रोन हथियारों को मजबूत बना रही, जिससे रूस को यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में बढ़त मिल रही। भारत की कंपनियों ने ड्रोन तकनीक को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। जेन टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस और अन्य भारतीय कंपनियां रूस के साथ साझेदारी में तकनीकी समाधान उपलब्ध करवा रही। पहले जहां भारत में ड्रोन निर्माण की क्षमता नहीं थी, वहीं अब ये देश इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा। इसका नतीजा ये है कि भारतीय तकनीक अब रूस के ड्रोन में इस्तेमाल हो रही, जो युद्ध में निर्णायक साबित हो रही। खैर, रूस और भारत के बीच की ये तकनीकी सहयोग आने वाले वक्त में और भी गहरा होने की संभावना है। ड्रोन तकनीक से लेकर AI तक दोनों देश रक्षा और तकनीक के कई क्षेत्रों में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस सहयोग से न केवल रूस को युद्ध में मदद मिल रही, बल्कि भारत भी अपनी तकनीकी क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर साबित कर रहा। अब आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर, कॉमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।